अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे पास एक चाइना का टीवी है जिस पे ये एरर आ रही है, EEPROM ERROR प्लीज़ चेक। तो ये फॉल्ट आज हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी चाइना का टीवी है और ये EEPROM ERROR कर रहा है, तो आज हम इसकी EEPROM ERROR जो है वो दूर करेंगे। तो देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखें, आपको एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस मसाइल को हल कर सकते हैं। कोई भी चाइना का टीवी हो जो EEPROM ERROR शो कर रहा हो, तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं इजीली। चलते हैं सर्किट को तरफ। ये इसका सर्किट लगा हुआ है, ये आम चाइना की किट है, ये देख सकते हैं आप, जिसमें दो IC लगे हुए हैं। एक लगा हुआ है LA78810 और दूसरा छोटा IC लगा हुआ है, सिस्टम IC इसका। तो इसको रिपेयर करते हैं EEPROM ERROR को। तो दोस्तों, आपने इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले ये जो मेमोरी IC है इसको चेंज करना है। ये छोटी मेमोरी IC लगी हुई है, ये मैंने एक बोर्ड की निकाली हुई है, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है। ये छोटी चार एक तरफ इसकी लेग्स हैं और चार दूसरी तरफ लेग्स हैं। तो ये चार और चार आठ पिन्स की एक IC होता है, मेमोरी IC जिसे बोलते हैं। तो आपने इसे निकाल के बाहर, ये आपके सामने मैं इसके निकाल रहा हूँ। अगर ये तो बेस में है तो इजीली निकल आएगी, अगर बेस में नहीं तो आप सोल्डर आयरन से इसे निकाल सकते हैं। ये देखें, मैंने निकाल कर बाहर रख दिया। और ये इसकी दूसरी PC, ये मेमोरी IC दूसरी मैं इसके ऊपर लगाने लगा हूँ। तो आपने इसको सीधा लगाना है, जैसे निकाला है वैसे ही दूसरा भी इस पिन लगाना है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया, अब आपके सामने मैं इसको ऑन करता हूँ। ये वही सेट है जिसकी हमने अभी मेमोरी IC चेंज किया है। आप देख सकते हैं कि ये अभी स्टैंड बाई पे है, क्योंकि नई मेमोरी लगी है तो वो स्टैंड बाई पे है। इसको आपने रिमोट से ऑन करना है, ये मैंने रिमोट से ऑन किया इसको। आप देखते हैं ये क्या शो कर, ये देखें आपका टीवी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये देखें रिमोट भी काम कर रहा है। अगर हम इस पे सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद ये देखें बिल्कुल क्लियर जा रहा है। ये देखें चैनल भी आ गया है, देख सकते हैं कि आपके सामने मेमोरी IC चेंज करने से टीवी एकदम ओके हो गया है। अगर आपको किसी किस्म की समझ ना आई हो, तो नीचे मेरी वेबसाइट भी है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको उससे और भी अच्छी अच्छी पोर्ट्स मिल जाएंगी। और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।